बस कल वो रोई और उसके बाद वो रोई क्यों थी? आप लोग चिंता मत कीजिए, उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। कई बार मैं इन चीजों का सामना कर चुका हूं। अब टेंशन मत लीजिए, शी बी ऑल राइट। सर, वो बेहोशी की हालत में है अभी भी। जरा जरा सा होश आता है तो वो वसुधा वसुधा करके पुकार रही है। ओहो, ऐसा दर्द भगवान किसी को भी ना दे रहे। ओए होए होए, इतना दर्द दे। ओहो, हे भगवान, कोई दबाने वाला भी नहीं है। हाय 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 हाय। अरे बेटा शेखर आ गया, बैठ बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं माँ, माँ। अरे बेटा, बहू के हाथ में बेटे को सौंप कर आराम करने के दिन गए। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं माँ, माँ तू बैठ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी? अच्छा कर कर, बोल। हाय राम, ये दर्द तो मुझे लेकर ही छोड़ेगा। बेटा बोल बोल, तू बोल। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कुछ मतलब 50,000। 50,000 रुपए? अरे इतने पैसे मैं तेरे को कहाँ से लाके दूँ बेटा? अरे कमाता तो तू है, मैं थोड़ी कमाती हूँ। अरे बेटा, कमाना आसान है, घर चलाना आसान नहीं है। माँ, माँ हम अपनी कमाई तुम्हें ही लाके देते हैं ना, मतलब मैं भी और पिताजी भी। हाँ बेटा, 1 तारीख को तुम दोनों अपनी कमाई मेरे हाथ में जरूर रखते हो, लेकिन 10 तारीख तक सारे बिल चुकाते चुकाते एक ढेला भी मेरे पास नहीं बचता है। अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कमाई तो तू करता है, और कमाना आसान है, घर चलाना आसान नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। हाँ लेकिन कुछ तो बचा होगा ना। अरे वैसे भी तो हम फिजूल खर्च कहाँ करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी बीबी बिना सेंट का फव्वारा उड़ाए घर के बाहर कदम नहीं रखती है। और उसके ऊपर से तेरे भाई की पढ़ाई का खर्च है, घर में आने जाने वाले लोग हैं, और उनका नाश्ता पानी, घर में भी तो दो दो बार नाश्ते होते रहते। और फिर बीवी तुम्हारी अगर गलती से किचन में थोड़ी देर रह गई तो घी की गंगा बहती रहती है बेटा। माँ तुम सुन ले, देख सिर में इतना दर्द है मेरे, कहीं भी कुछ भी दर्द होता है ना तो मैं इन घरेलू चीजों से अपना इलाज कर करके पैसा बचा बचा के घर चलाती हूँ बेटा। घर चलाना आसान नहीं है बेटा। सुन, तुझे जिसने पट्टी पढ़ा कर भेजा है ना, उसे यह बता दे कि घर और अनाथालय चलाना इतना आसान काम नहीं है। पर बेटा, तेरे को इतने पैसे किस चीज के लिए चाहिए? माँ जैसा कि तुमने कहा था, हाँ? मैं अपने लिए किराए के घर ढूंढ रहा हूँ, डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए थे। पर बेटा इतने? मुझे किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करनी होगी गिरीश। जैसे सरिता जी को होश आता है, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि मैं उनकी खोई हुई बेटी नहीं हूं। ये क्या बात है कि किसी की संतान खो जाती है लगभग उतने ही साल जितने की मेरी उम्र है, और वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि मैं उनकी खोई हुई संतान हूं। ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और फिर मुझे डर लगता है इस बात का कि कहीं मैं उनकी इस गलत फहमी के जाल को और मजबूत तो नहीं बना रही। ऐसा नहीं करना चाहती, ये सही बात नहीं है। मैं उसे कह दूंगी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं, ना ही वो मेरी माँ है। गिरीश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जानकर कि मेरी माँ कौन थी या मेरे पिता कौन थे। मैं उन्हें खोजना नहीं चाहती, मैं उन्हें ढूंढना नहीं चाहती। मेरी अपनी दुनिया है जिसमें लोग हैं, रिश्ते हैं, मेरे खुद के नियम है, मेरा जंगल है एक। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ। डॉक्टर वसुधा आपको अंदर बुला रहे हैं। अभी तो चलो।
वसुदा, मैं माफी चाहूंगा कि इट्स ऑल राइट, प्लीज आप बुरा मत मानिए। आपको तकलीफ दी डॉक्टर? डॉक्टर भी कह रहे हैं और तकलीफ की बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स को तकलीफ नहीं होती, वो दूसरों की तकलीफ को दूर करते हैं। थैंक यू। सरिता जी, सरिता जी। सरिता, देखो वसुदा आई है। वसुदा है उनके पास? क्या हो रहा है सिंह साहब? लगता है हमारे ग्रह खराब हो गए हैं। वहां संगीता की अपनी परेशानी और वसुदा पर तो भारी ग्रह है जो कर रही उल्टा हो रहा है। और ये सरिता, ये ग्रह हमसे क्या चाहते हैं? एक बात कहूं बहन जी, जब वो सारे ग्रह मिलाता है ना, उन्हें ठीक करता है, उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ आती है, उसके बाद सब सुख ही सुख होता है। ग्रह मिलाने में थोड़ी कठिनाई आती है, लगता है इस वक्त वो कुछ ग्रह मिला रहा है। सरिता जी, मैं वसुधा, आप मुझसे बात नहीं करेंगी, मुझसे नाराज हैं। देखिए ना सरिता जी, अब बहन जी जहाँ तक संगीता का सवाल है, रब करेगा सब ठीक हो जाएगा। अभी वहीं से तो आ रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने कभी भी बड़े मकान के और महलों के ख्वाब नहीं देखे शिखर। मैं बस एक छोटा सा घर चाहती हूँ, एक कमरा भी हो तो वो भी चलेगा। वो भी तो आजकल महलों के दाम बिकता है। खरीदने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। किराया, डिपॉजिट, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। राज? या? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। एक बात कहूं? बोलो। शायद प्रिया को मेरा ऑफिस आना अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने शायद नोट नहीं किया, लेकिन जब मैं आई तो वो कैबिन से बाहर चली गई थी। शिल्पा, तुम मुझे गॉथिक डिजाइन्स की पुरानी किताब दिखाने में मसरूफ थी, उसके बावजूद तुमने ये सब। इतना तो मैं महसूस कर सकती हूँ राज, आफ्टर ऑल आई एम अ वुमन। शिल्पा, ये तुम्हारी इमेजिनेशन हो सकती है, तुम्हारी कल्पना, तुम खामखा। ओके, ठीक है, मेरी इमेजिनेशन थी। एक बात पूछूं? तुम्हें किताबें पसंद आई थी? शेखर, मौसी हमेशा से कहती आई है कि आश्रम तुम्हारा घर है, तुम्हारा मायका है, तुम्हारे माँ बाप का अपना घर है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम वहाँ जा, कुछ ही दिनों के लिए। संगीता, सुनने में अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगेगा या अपमानजनक लगेगा? औरत से कहा जाता है कि ससुराल को अपने मायके समझ के रहो। तो मर्द क्यों नहीं अपने ससुराल को अपना घर मान सकता? देखो संगीता,
हमारी अपनी तकलीफें हैं, वो हम उन पर क्यों थोपेंगे? क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम के नाम से ही तुम? नहीं संगीता, मैं तो मां बाप के होते हुए भी अनाथ हूं। सी इज फाइन नाउ डॉक्टर वसुधा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और वो आराम से निर्मित हो रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। थैंक यू। डॉक्टर वसुधा, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, जरूर करूंगा, और ये भी ख्याल रखूंगा कि सरिता की जो बीमारी है उसकी जो सोच है वो निजी रहे, आप तक नहीं पहुंचे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा, ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। जी कोर्ट का कागज है, जैन ने वसुधा बेटी पर उल्टा दावा कर दिया है। अब मतलब तुम अलग होना चाहते हो? वैसे भी एक छत के नीचे रहकर हम कौन से एक साथ हैं पिताजी। चले जाओ अनाथ आश्रम जाके रहो और लोगों को हम पे हंसने दो, थूकने दो हमारे मुंह पे। आप चुप रहेगी? मैं बात कर रहा हूं ना। वैसे आज भी क्या कम मजाक उड़ाते हैं लोग हमारा? अरे क्यों नहीं उड़ाएंगे, मौका तो हम ही ने उनको दिया हुआ है। अरे पीठ पीछे तो लोग ये कहते हैं कि हमारे बेटे में ही कोई खोट है, नहीं तो हम क्यों लाते अनाथ आश्रम से बहू? कोई लाता है? माँ तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, मुझे बता तूने ठीक से सोचा है पूरी तरह से? पिताजी अरे इसमें सोचना क्या है, पहले से ही सब कुछ सोच साच के रखा है। मैं तो जानती थी ये चाल चलने वाली है और ये खिचड़ी पकी है उस कैप्टन वसुधा की रसोई में। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे बेटे तेरी गलती नहीं है कुछ भी, तू तो बहुत भोला है। पूछ उस बेशरम से, क्या यही सिला है हमारे एहसानों का? तुझे तो मैं बहू बनाकर इस घर में इसलिए लाई थी, एक अनाथ को छत मिलेगी, अरे माँ बाप मिलेंगे, और तू मेरे बेटे को ये अनाथ बनाकर आश्रम ले जा रही रहने के लिए, जिसे हमने घर दिया, नाम भी इज्जत दिया, वो याद मुझे बे औलाद बनाने पे तुली हुई है भगवान। जी आप चुप हो जाओ। अरे क्या चुप रहूं मैं, चुप रह रहे के तो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं हे भगवान। मुझे उठा लो, तुम इन लोगों से मत डरना। अब इस डर को हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, और फिर डर की वजह से हम सच पर झूठ की चादर तो नहीं उड़ा सकते ना। तुम बिल्कुल मत डरना माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान तुझे और शक्ति दे। राज तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? शिल्पा मैंने मिस्टर वाधवा से 4 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन मैं अभी तक ये डिजाइन नहीं कर पाया हूँ कि मैंने गॉथिक स्ट्रक्चर के कौन से डिजाइन्स प्रेजेंट करूँ। स्ट्रेंज। एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। तुम्हें मेरा ऑफिस आना खटकता तो नहीं है ना? Hey, शिल्पा, don't be stupid. I really want to work on this project with you, Raj. अगर मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफिस आ सकूँ ना रोज। शिल्पा लेकिन बच्चों का क्या होगा? इनकी फिक्र तुम मत करो, इट्स जस्ट फॉर अ वीक। तुम इतना परेशान देख के आई रियली गेट वरीड राज। मैं समझता हूँ शिल्पा, आई नो व्हाट यू गो थ्रू।
क्या देख रही है तारे? बचपन से तो क्या देखती रहती है घंटों घंटों इनको, जब देखो अकेले बैठकर बस ताकती रहती है, बातें करती उनसे। मैं टूटा हुआ तारा देखती हूँ माँ, वो गिरता है ऐसा लोग कहते हैं। लोग तो उसे टूटा हुआ तारा भी कहते हैं, गिरता हुआ तारा कहते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर वो गिरता है तो कहाँ गिरता है? शायद गिरता ही नहीं है, टूटकर अपनी एक अलग जगह बना लेता है जहाँ वो जाकर महफूज हो जाता है अपने आप में। तो बस मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपनी जगह में महफूज हूँ या मुझे अपनी जगह भी ढूंढनी है, या शायद अभी मैं टूटी ही नहीं। या अभी टूटना और टूटकर बिखरना बाकी है। Okay.